बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा सोशल मीडिया पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। किसी गलत बात पर कपिल चुप नहीं बैठते और लोगों तक अपनी बात जरूर पहुंचाते हैं। बीते साल कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस घटना से पूरा देश गुस्से में था और हर कोई शहीद पुलिसकर्मियों को सलाम कर रहा था। तब कपिल ने भी मामले में न्याय की मांग की थी। सोशल मीडिया पर कपिल ने एक ट्वीट कर कानपुर घटना पर गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने शहीदों को नमन किया था और दोषियों को मार देने की बात कही। कपिल ट्वीट करते हैं, मैं रेस्ट इन पीस नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है इन शहीदों को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आरोपियों को पकड़कर मार ना दिया जाए, यूपी पुलिस को ताकत मिले कि वो दोषियों को पकड़कर मार सके। उस समय जो गुस्सा कपिल शर्मा के मन में था वही गुस्सा देश की रगों में भी दौड़ रहा था। हर कोई पुलिस के पराक्रम को सलाम कर रहा था और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इस घटना के बाद से यूपी पुलिस एक्शन में भी आ गई थी। विकास दुबे की तलाश तेज कर दी गई और उस पर 50,000 का इनाम भी लगा दिया गया। वहीं पुलिस ने उस समय 500 फोन सर्विलांस पर भी लगाए थे। सिर्फ यही नहीं, आसपास के इलाकों में पुलिस इस समय बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी और गांव से जोड़ने वाले नाकों की सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे।